की महादेव पवन सुत हनुमान जी महाराज के जय बाबा धूनी वालो बाबा गोस्वामी तुलसीदास सर्वप्रथम मां भगवती जगत जननी के चरणारविंद में सत सत कोटि कोटि नमन करते हुए श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणारविंद में सत सत कोटि कोटि नमन और यहां उपस्थित श्रोता समाज बंधु पंच परमेश्वर की उपाधि पर बैठे हुए सभी पंच परमेश्वर निर्णायक समिति और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों के चरणारविंद में सत सत कोटि कोटि नमन करते हुए जाने अनजाने हम बच्चों से जो कुछ त्रुटियां हो जाए अपना छोटा बालक समझकर क्षमा करेंगे। समय का अभाव मंडल विशेष होने के कारण मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेन पॉइंट पे आता हूं। जैसा कि सभी मंगल कार्य से पहले भगवान गजानन जी की वंदना की जाती है, दयालु यह एक कार्यक्रम आपके बिना पूर्ण नहीं हो सकता, बिना आपके आशीर्वाद के बिना यह कार्य पूर्ण हो नहीं सकता है। दयालु भगवान गजानन जी से क्या कहना भैया, पार्वती तुम्हें करते प्यार सभी देवों में आपने प्रथम गंगिनाया है और घर बैठे ही आपने पृथ्वी का चक्र ऐसे हमारे भगवान गजानन जी जो अपने माता पिता की परिक्रमा करके सर्व पूज्य माने जाते हैं और सारी दुनिया उनको पूजती है कि हे दयालु आपसे क्या कहना है मेरा। ओम मैया गौरी जी के हे दयालु आज आपको यहां महफिल में आना होगा यह कार्य को संपन्न करने के लिए, क्या कहना भैया। ये प्रथम बंदेना आपकी हो मैया और भैया
जाने वालों की कमी है। क्या कहना है? भगवती जगत जननी के चरणों की चंद शब्दों में वंदना। हे मां, आपकी कौन वंदना कर सकता है, कौन सेवा कर सकता है? मां, ऐसे सियानों का मेरे ऊपर जो आशीर्वाद है, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है, आपके चरणारविंद में टूटे हुए शब्द आपको सादर समर्पित है। क्या कहना है मां से? और जो पूजे इनके चरण सफल हो, माँ के दरबार में कोई भी चीज की कमी नहीं है प्यारे, और माँ शब्द संपूर्ण विश्व में पूरा है। माँ शब्द ही एक ऐसा है जो संपूर्ण विश्व में पूरा है। उस माँ के दरबार में हम आप सभी बैठे हैं, हम बड़े धन्य भाग्यशाली। उस मां से क्या कहना है भैया? हो तेरी महिमा है अपरम पार, मां तुझसे रो भाए। हे मां, आपकी महिमा अपार है। मां, यह सारा विश्व आपसे उत्पन्न और आप में ही विलीन हो जाता है। मां, आपकी महिमा का गुणानुवाद में क्या गा सकता हूं? मां, क्या कहना मां से? ओ शेरों वाली, पहाड़ों वाली मैया शेरों वाले, हो तेरी महिमा, तोरी महिमा, तोरी महिमा है अपरम पार, मां तुझसे रो वाले। तोरी महिमा है अपरम पार, मां तुझसे रो वाले। तोरी महिमा है अपरम पार, मां तुझसे रो वाले। हे मां, आपके चरणारविंद में यह सारा संसार समाहित है। मां, क्या कहना भैया? ब्रह्मा ब्रह्मा, ओ ब्रह्मा विष्णु आरती तोरी रहे। चरणारविंद में सादर समर्पित करने के लिए क्या है मां? शब्द रूपी ही पुष्प के रूप में सादर समर्पित है। मां, क्या कहना है? ब्रह्मा विष्णु आरती तोरी रहे। ब्रह्मा विष्णु आरती तोरी रहे।
महिमा तेरी महिमा निर्णायक समिति का आदेश जसमंडल लड़ासपुरा मंच के समीप आ जाए बढ़ते क्रम में सोहागपुर कथा आपके समक्ष प्रस्तुत है। जब कैकेयी महाराज दशरथ जी से दो वरदान प्राप्त कर लेती हैं और महाराज दशरथ मूर्छित अवस्था में पड़े हुए अचेत हैं, भगवान आते हैं, सारा वृतांत समझकर भगवान किस प्रकार वन के लिए जा रहे हैं भैया, यही कथा आपके समक्ष पेश है। किस प्रकार सबसे सुंदर सबसे प्यारा था मेरा घरवार, लेकिन कैकेयी ने इसमें लगा दई। महाराज दशरथ जी कहते हैं तन भी जला मन भी जला लागी ऐसी आग, और मोती के बदले पत्थर मिले धन्य हमारे। भगवान राज महलों से निकलकर किस प्रकार वन प्रस्थान कर रहे हैं भैया। अरे वन को चले हैं रे राम संग, लखन चले हैं रे। अरे वन को चले हैं रे संग, लखन चले हैं रे। अरे बन को चले हैं रे संग सीता मां, होते हैं भैया प्यारे। उस समय का प्रह अवस्था कही नहीं जा सकती, सारे प्राणी भगवान के संग में लग जाते हैं और वापस में क्या विचार कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं भैया। ओ कंचन महलों को छोड़ के, कंचन महलों को रेशमी छोड़े रे झूले हैं, कांचन महलों को छोड़ के, कांचन महलों को रेशमी झूले रे, कांचन महलों को छोड़ के, कांचन महलों को अरे रे खेड़ापति जसमंडल लालसपुरा सुहागपुर मंच के समीप आ जाए। विचार करते हैं धन्य हमारे दुर्भाग्य जो आज हमारे परमात्मा श्री राम ऐसे सुकुमार, ऐसे सुकुमार ऐसी अवस्था में बन के लिए जा रहे हैं। क्या कहते हैं भैया, सुंदर कपड़ों को त्याग के, सुंदर कपड़ों